आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ। सहारा इंडिया कर्मचारियों ने निवेशकों के साथ सेबी के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर सांसद लल्लू सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सेबी के पास फंसा सहारा का 24,000 करोड़ रुपए वापस दिलाकर लाखों निवेशकों और सहारा कार्यकर्ताओं को राहत दिलाने का आग्रह किया। सांसद लल्लू सिंह को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि सहारा कार्यकर्ता बीते 4.5 दशकों से अपने अपने क्षेत्रों में रेहड़ी खोमचे वाले छोटे दुकानदारों और निम्न मध्य वर्ग के लोगों से धन निवेश कराकर उनमें संचय की भावना उत्पन्न करते आ रहे हैं। सहारा अभिकर्ता अपने संस्थान के माध्यम से इन दशकों में धन संचय कराने वाले निवेशकों को बेहतर लाभांश भी उपलब्ध कराते रहे हैं। तमाम निवेशकों ने सहारा संस्थान से मिले लाभांश के बूते अपने व्यवसाय में भी वृद्धि की है। साथ ही बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के अतिरिक्त निजी स्वामित्व के घर मकान भी बनाए हैं। इस संस्था में निवेश करने वालों को भी लाभांश मिला है। अनगिनत शिक्षित युवाओं और बेरोजगारों का सहारा कार्यकर्ता के रूप में घर परिवार भी पोषित हुआ है और वो एक बेहतर जीवन जी सके हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि 8 वर्ष से सहारा सेबी विवाद ने उन सबके साथ ही निवेशकों के सीजन में भी उथल पुथल पैदा कर दी है। सहारा कार्यकर्ता भुखमरी की कगार पर आ गए हैं, जबकि संस्थान के सेबी में फंसे 24,000 करोड़ रुपयों की वजह से निवेशकों के भुगतान में भी अनावश्यक विलंब हो रहा है। आइडियल इंडिया टीवी के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। हम लोग सहारा सेबी विवाद के संबंध में अपनी जो संस्था से और सहारा सेबी से जो विवाद चल रहा है उसके ज्ञापन के लिए हम लोग सांसद महोदय के पास आए हुए हैं। हम लोगों ने जो हमारी संस्था में 12 लाख हमारे कार्यकर्ता कर्तव्योगी कार्यकर्ता हैं और लगभग 10 करोड़ हमारे जो सम्मानित जमाकर्ता हैं निवेशकर्तागण हैं, आज इन लोगों की रोजी रोटी और इन लोगों के जमाकर्ता जो जमा धन है, निवेश धन है, उस पर ग्रहण लग गया है। चूँकि सहारा सेबी विवाद में हमारी संस्था का 25,000 करोड़ रुपए जमा है। अगर वो 25,000 करोड़ रुपए सरकार के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, अगर हमारा ही पैसा, सहारा इंडिया का पैसा है, वो अगर हम लोगों को वापस मिल जाता है तो हम लोग का जो जीवन है, ये 45 वर्षों का जो सफ़र है, फिर हम लोग बहुत आगे अपने आप को बढ़ा ले जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में जमाकर्ताओं का विश्वास जो जमा हुआ है, जो हम लोगों का धन सहारा इंडिया में जमा हुआ है, फिर पुनः उन लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ।